टोली में 5 दिसंबर को उपचुनाव है। आज हम जानसेट कस्बे के अंदर पहुंचे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रबुद्ध लोग हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार राय जी। हमें चुनाव आ गया, चुनाव आ गया, बीजेपी को की उम्मीद है हमें। राजकुमारी, राजकुमारी हाँ जी। और मदन भैया का जो चुनाव है उसको कैसे देख रहे हैं, कोई चुनौती दे पा रहे हो? चुनौती तो है, कहना कुछ तो है, लेकिन राजकुमारी का ही चांस ज़्यादा नहीं। भाजपा में क्या खूबी है जो मतलब आप भाजपा के बारे में बात कर रहे हैं? भाजपा में भाजपा में सुरक्षा कोई दिक्कत नहीं है और विकास कार्य हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? रेखा जी। क्या लग रहा है, ये चुनाव आ गया है, 5 तारीख को चुनाव है, किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी ऐसा हाँ। क्यों लग रहा है आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बहुत कुछ खूबियाँ हैं सरकार में, ऐसी बात नहीं, तो इसलिए आपको बीजेपी लग रहा है? हाँ। क्या नाम है मैम आपका? यशोदा। क्या लग रहा है जी? बीजेपी ही जीती। मदन भैया जो प्रत्याशी हैं गठबंधन के, कैसा चुनाव है उनका, इनके सामने? राजकुमारी सैनी जीते। राजकुमारी जी जीतेंगी। आप एक महिला हैं तो महिला होने के नाते नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनको लाभ या उनकी तरफ टिल्ट हो रही है थोड़ा नहीं, सा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी की सरकार अच्छी है। मतलब भाजपा में क्या खूबियाँ बताइए, एक महिला है आप? हाँ, गृहिणी। महिलाओं को सुरक्षा करी है, सुरक्षा दी है भाजपा ने। कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो किचन है वो आपका बहुत महंगा हो गया है पहले के मुकाबले। वो तो हर सरकार में गैस के रेट बढ़े हैं, सब्जियां महंगी हुई हैं, हर चीज महंगी हो गई है, दूध से लेकर तमाम चीजें। लेकिन देखो वो तो महंगाई तो हर सरकार में बढ़ी है, वो तो किचन मैनेज करना मुश्किल है पहले के मुकाबले। हाँ थोड़ा है तो सही, उसके बावजूद भाजपा की तरफ जा रही है। अच्छी सरकार है भाजपा, महंगाई है, है। लेकिन फिर भी भाजपा को बिल्कुल महंगाई से दिक्कत नहीं है, नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। नहीं जी मैम, महंगाई हुई आप भी मानती है? मुझे तो पहले जैसा ही लगता है कि अब जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई तो होगी, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, जनता बढ़ रही है इसको आप जिम्मेदार मानते हैं, सरकार का इतने दोष नहीं? ना, जनसंख्या इतनी है हिंदुस्तान की, हाँ, तो इसीलिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है सरकारों के लिए भी महंगाई को रोक के रखना। हाँ। तो इस चुनाव में आपको लगता है कि बीजेपी खतौली से, हाँ, विक्रम सिंह सैनी की जो पत्नी है, हाँ, वो जीतनी चाहिए और जीतेंगी भी। जानसठ में जैसे आप स्थानीय हैं, यहाँ निवासी हैं, जानसठ का क्या लग रहा है कस्बे का? कस्बे का माहौल भी राजकुमारी सैनी की तरफ ही है, कस्बे में उन्हीं का लग रहा है आपको? जो व्यापारी वर्ग है उसका रुझान किस तरफ है? वो भी बीजेपी की तरफ है। जैसे जानसठ के अंदर ये जो सड़क बन रही है हाईवे चौड़ी, इसमें काफ़ी दुकानें टूटी हैं, व्यापारी वर्ग लोग नाराज़गी है कुछ? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। देखो विकास कार्य होगा, देखो कुछ तो दिक्कतें थोड़ी सी आएंगी, काफ़ी दुकानें उनकी जद में आई हैं, उनको मुआवजा भी नहीं मिला, क्या वो नाराज़गी है? नहीं, वो नाराज़गी नहीं है, हमारी खुद की जा रही है लेकिन हम नाराज़ नहीं है। अच्छा, खुद की जा रही है? अच्छा जी मैम, खुद की जा रही है हमारी, टूटी है उसमें शॉप, हाँ, लेकिन कोई परेशानी नहीं? फिर भी कोई परेशानी नहीं, कम से कम विकास तो होगा। खुद की दुकान टूट गई है हाईवे में, बिल्कुल, और कोई मुआवजा भी नहीं मिला उसका, लेकिन फिर भी भाजपा के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन। क्या लग रहा है, चुनाव आ गया? हाँ, चुनाव का माहौल ठीक है। आपके गांव में क्या लग रहा है और महलकी में? हमारे गांव में तो ज़्यादातर बीजेपी का ही माहौल है। राजकुमारी सैनी। टक्कर है मदन भैया से इस बार? हमारे गाँव में तो टक्कर कम ही है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का माहौल ज़्यादा है, बीजेपी का लग रहा है। जी, क्या नाम है आपका? नरेश कश्यप। क्या लग रहा है नरेश जी? जी हमें तो भाजपा ही चमक रही है। भाजपा चमक रही है, हम पुराने भाजपा के, भाजपा के वोटर हैं। हाँ। जी, क्या नाम है आपका? सैंदर है जी मेरा नाम। क्या लग रहा है जी? आपको तो भाजपा ही है कि समर्थक है जी, हम तो पहले से। राजकुमारी सैनी भेज रहे हैं लखनऊ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अशोक कुमार कश्यप। क्या लग रहा है जी अशोक जी? भाजपा है जी, क्लियर एकदम। क्या वजह है भाजपा को? सबसे मेन मुद्दा सुरक्षा का, हमारी माँ बहन बेटियाँ सब सुरक्षित है, किसी टाइम कहीं आ जाओ कोई। विपक्ष तो कह रहा है महंगाई बहुत बढ़ गई है। अजी महंगाई तो बढ़ती रहे, महंगाई कम किसने करी आज बताओ? इंदिरा गांधी चली गई गरीबी हटाती, वो उससे नहीं हुई, तो महंगाई तो बढ़ेगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी मुद्दा नहीं आपके लिए? नहीं, कोई नहीं, महंगाई में सुरक्षा भारी है, हमें सब चीज़ घर बैठे मिल रही। साला महंगा सिलेंडर हो जाओ, उसका घर बैठे तो मिल रहा, अब 300-300 रुपये का साला मिल रहा था जब सारा मिला नहीं था, अब से 1000 का मिला चलेगा, घर बैठे मिल रहा हमें, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। अच्छा, पहले लाइन में लगना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, दो बजे फौजी बेचारे जाता था, रात को 2-2 बजे लाइन में लगते थे गैस सिलेंडर के लिए, और जब नंबर आता था बोलते खत्म, और अब घर आके दे रहे हैं। लेकिन सस्ता तो था? सस्ता नहीं, बात मिलने की है, सुविधा की है बात,
सस्ते से नहीं, महंगाई तो देखो कीमत है, प्राइवेट सेक्टर की तरह कर दिया महंगाई तो, विपक्ष कह रहा है कि सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, सब चीजें बेच रहे हैं। देखो महंगाई तो कम होने की जब जनता बढ़े प्राइवेट, देखो जी वो तो सरकार की पॉलिसी है उसमें इतना तो इस बारे में हम जानते नहीं है, पर जो हमें पहले से सुरक्षा की भावना बहुत दिखाई दे रही है, जो हमारे गांव में पहले चोरी डकैती ये होती थी, मारपीट होती थी, सड़क पे लूट लेते थे, उससे आज बहुत ही शांति मिल रही है हमें, सुरक्षा भारी है महंगाई पे, सुरक्षा जब हमारे सुरक्षा नहीं होगी तो घर में कुछ भी हो सब ले जाएंगे, उससे क्या फायदा है फिर उसका, तो हमें सुरक्षा राजकुमारी सैनी को भेज, राजकुमारी सैनी जाएगी पक्का जाएगी।